नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव गिगनाव में। और 9 दिसंबर यानी कि किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया है। सर्व समाज, सर्व खाप और सभी किसान यूनियन, किसान प्रधान, किसान नेता तमाम यहाँ मौजूद हैं। पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत से, क्योंकि जयप्रकाश दलाल यानी कि कृषि मंत्री ने जो बातें कही उसके बाद से जो किसानों के अंदर खासा रोष देखने को मिल रहा है। और महिलाएं हमारे साथ खास बातचीत में हैं, जिन्होंने अपने विचार भी रखे हैं स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से, और बातचीत करेंगे इनसे क्यों इनके अंदर इतना गुस्सा है। इतने दिन बीत चुके हैं उस बात को, लेकिन गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। बात ठंडी पड़ जाती, लेकिन ये बात जो है भड़कती जा रही है दिन ब दिन। देखिए, जो हरियाणा के कृषि मंत्री और लोहारू के विधायक जेपी दलाल के मुँह से जो एक महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई वो बहुत ही निंदनीय है। और मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे हरियाणा के जो कृषि मंत्री जनप्रतिनिधि होकर के और ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। लेकिन हमने तो पहली बार ऐसा देखा है कि जो जनप्रतिनिधि होकर के महिलाओं के ऊपर ऐसी गंदी टिप्पणियां की हैं। लेकिन हम भी उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जेपी दलाल साहब, मेरे जो संस्कार है वो मुझे अनुमति नहीं देते और मैं एक महिला होने के नाते ये बात कहना भी नहीं चाहती, लेकिन ये जेपी दलाल कहलवाता है। हम तो तूने तो पूरे किसान कौम को कहा है, लेकिन हम तेरे को पर्सनली कहते हैं कि जेपी दलाल तेरी उस चाची को ये याद कर लेता वो, और तेरी बुआ को भी याद कर लेता। तो अपने इतिहास को भी थोड़ा सा जान ले। छाज तो बोला, छालनी भी के बोला है, तो कम से कम जेपी दलाल भी के बोला है। उनकी तो बहू भी बेटी भी दोनों ही बाजरी से, तो उसने तो बोलने का कोई अधिकार है कौन ने। लेकिन हम फिर भी एक महिला होने के नाते ऐसी बातें नहीं करना चाहती थी, लेकिन जेपी दलाल ने एक जनप्रतिनिधि होकर के ऐसी भाषा का प्रयोग किया तो हमारे अंदर भी वो गुस्सा है और हम भी उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहते हैं। तो क्या मान के चले, आज समस्त जो है हरियाणा नहीं पूरे भारत के जो किसान प्रधान, खापे, यूनियने, नेता सभी यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं जो सर्व समाज और सर्व खापे जो फैसला लेके आएंगे अंदर से उसको सभी मान्य करेंगे। आपका क्या कहना है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल, हम भी जो हमारी खाप पंचायत जो यहाँ महापंचायत गिगनाऊ के अंदर हुई है उनका हम सम्मान करते हैं और जो उनका निर्णय होगा उनके ऊपर फूल चढ़ाने का काम भी करेंगे। लेकिन हमारा एक छोटा सा सुझाव जरूर है, क्योंकि गाँव में महिलाएँ चर्चा कर रही हैं कि अगर ऐसी भाषा का प्रयोग किया है तो हम उसके मुंह पर तेल छिड़कने का काम करेंगी और जब हमारे बीच में वोट मांगने आएगा तो कहीं ना कहीं उसको जरूर थपड़ाने का काम भी करेंगी। तो यानी कि अगर आपके हिसाब से बातचीत करें और आज पंचायत में जो फैसला होने वाला, हालांकि वो तो कड़ा फैसला होगा, पहले ही आपने क्लियर कर दिया था कि सख्त से सख्त जो फैसला लिया जाएगा, कहीं ना कहीं बहिष्कार भी आपने पहले ही कर दिया था, तो आने वाले समय में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आने वाला समय भी चुनावी समय है जहाँ हर व्यक्ति के पास पहुँचना पड़ेगा, हर घर तक जाना पड़ेगा, हर गाँव तक जाना पड़ेगा। तो उसको उसी भाषा में उसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वैसे तो वो जनता के बीच में अब वोट मांगने के लायक रहा नहीं और उसको आना भी नहीं चाहिए। अगर उसको अपनी इज्जत बचानी है तो उसको नहीं आना चाहिए लोहारू हल्के की जनता के पास, वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वो फिर भी आता है तो हम ये जवाब जरूर लेंगी कि जेपी दलाल साहब, हमने जैसे तेरे को व्यक्तिगत जैसे बताया है तेरा मतलब एक कच्चा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा, तो उसी तरह से हमें पर्सनल बता दूँ कि किसानों की कौन सी बहू और बेटियां भागी हुई है जी, उसका जवाब हम जरूर लेंगे। जी आप क्या कहेंगे, किसान पंचायत में मौजूद हुए हैं, आपने भी अपने विचार रखे, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आपकी बातों से सहमत था। देखो, हमने हमारा दुर्भाग्य है, पहली बात तो ये भाई हमारा दुर्भाग्य है, जो हमारे नेता जो हमने चुना था कि भाई हमारा भला करेंगे किसानों का, जो हमारा कृषि मंत्री है, हमारा दुर्भाग्य है भाई मारी उसने महिला की इज्जत का नहीं बेरा। वो पहले भी बोल लिया था, उसने खुद मेरे तक श्यामी कहा, मेरी मीटिंग एक मीटिंग थी मेरी उसके साथ, उसने मेरे तक सीधा कहा था कि आप तो मेरे को टोल पे गाड़ दिया कर दी, माइक पे खड़ी होकर मैं भी आपको गाड़ दिया। भाई पहली बात तो मैं उसकी बोल पानी तय नू सोचा कि भाई हमारा दुर्भाग्य है, हमने वो कृषि मंत्री बना दिया जिसने नू नहीं बेरा कि भाई एक महिला का मान सम्मान, ये जिसके नारे पर सरकार आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गौ बचाओ, उनका ये शोषण करने लग रहे सबसे ज्यादा इस बीजेपी सरकार में, बेटियों का शोषण हो रहा है।
दूसरी बात इसने एक ऐसी बाणी बोली कि जिस तरह अरे एक बहु बेटी का देखो हमारे काके ताऊ तक के बेरा मैंने फिर मैं कड़वी बात कहूंगी भाई इन्हें बुरी लग गई। पहला दो तीन मामले आ लिए बहु बेटियां के ये खा पंचायतें टाइम देवे हैं और उस बात ने दबा दे हैं, लेकिन जे युवा बात भी दबा दे भाई इन खा पंचायत तक हम के करांगे और मर तो रोस है भाई फिर महिला अपना खुद इलाज करांगे और खुद निर्णय लेवांगे भाई मैं इवा में इतनी बोली तो रही कोनी क्योंकि हम चूल्हा चौका छोड़ के बैर निकल के 3 साल हो गए किसान आंदोलन में। तानाशाही सरकार ने बहु बेटी सड़क पे ले दी और मन लग गया हर रोज सड़क पे रहा कोई किसी के साथ ना इंसाफी कोई किसी के साथ ना इंसाफी कदे कोई मुद्दा और कदे कोई मुद्दा जब तक ये बीजेपी सरकार आई है और एक बहु बेटी और मारे कहके ताऊ सड़क पे ज्यादा है। इस बीजेपी सरकार ने वे मारा नोताओ ये और मैं तुम लोगों से भी कहूँ भाई कि भाई जो ये अपने चुनाव नतीजे आए हैं कि भाई राजस्थान में सरकार है कि अरे मध्य प्रदेश में सरकार है कि बड़े राज्य है उनमें तो इन्हें भाई गड़बड़ी कर दी, लेकिन एक बार मैं कहूँ भाई अपने काके ताऊ ये खा पंचायतें खट्टी होकर हरियाणा में भाई हमने मशीना तो चुनाव होने देने हम तो बेल्ट पेपर पे चुनाव कराऊंगे और बेल्ट पेपर पे इलेक्शन होने दे भाई इनको सोच लो इनकी कवर खुद जाएगी उस बेल्ट पेपर तक ये एक भी सीट नहीं कैट सकते बेल्ट पेपर तक ये तो 2000 तय 1500 वोटा तय 800 वोटा तय कई 30 मंत्री रह रखे इनके राजस्थान में तानाशाही के हिसाब से कदे कोई ने सोचा ना एक दूसरे तय एक बात कहने की मशीना में गड़बड़ी नहीं ओडे जीत गई बीजेपी ओडे हरगी ओडे हरगी छोटे राज्य थे नहीं भाई जो इन्हें दिखाने खातर लोग भरम में पड़ जाएंगे भाई ओडे भी तो हरगी बीजेपी जे मशीना में गड़बड़ करा ओडे भी तो जीत जर ये भरम में डाल दिए भाई मारे जे मारे पर गिठा वाले लुगाई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करो ये बात गलत है मशीना में कोई गड़बड़ नहीं ओ भाई जब तक ये तानाशाही ऊपर था यार एक चीज में गड़बड़ है और ये तानाशाही में तुम कहूँ मेरे काके ताऊ तय मेरे नौजवान भाई आता है ये भी निकल लो और मात्र शक्ति तो लुआ रहू की मात्र शक्ति तक हूँ भैया जाड़ा होना चाहिए था जिसके ऊपर इतना बड़ा गलत टिप्पणी करखी जेपी दलाल ने तो ऐड वो मात्र शक्ति नहीं आई मैंने कोई भी उठ लो नहीं तो नु सोच लो एक टेम था अंग्रेजों का पहला मुगलों का हमारी बेटी बहू पसंद आ जा करती घर ठेक ले जा करते और वो काम बीजेपी सरकार दोबारा तो लियाओगी दोबारा से मुगल अंग्रेजों का तो इन तो अच्छे अंग्रेज थे कम से कम हमारी बहू बेटियां पे तो नजर कौन गड़िया करते ये तो भाई दोबारा से मुगल है गए भारत में ये बीजेपी सरकार मुगलों की है और ये हमारी सबसे ज्यादा बहू बेटियां पे क्या तो ये गलत हो रहा है बहू पहला उस संदीप ने करे भाई मारी एक बेटी घसीटी गई मारी जो विदेशा में मारी बेटियां ने डंके बजा दिए हमारा देश का नाम रोशन कर दिया वह भाई ओडा जंतर मंतर पे घसीटी गई ये मारी बहु बेटियां के बारे में यूं बोल रहा है कल ना भाई घर ठान लग जाएंगे जेब नहीं उठे नहीं तो नु सोच लो बहु बेटी की कोई कदर नहीं चले। कहीं ना कहीं महिलाएं आज के दौर में मंच भी संभालती हैं भाषण भी देती हैं नौकरियों में भी आगे हैं ट्रैक्टर भी चलाती हैं खेती भी करती हैं हर चीज़ जो है महिला आज के दिन है सक्षम है संभालने में, तो मान के चले कि इस मामले को कहीं ना कहीं महिलाएं ढीला नहीं पड़ने देंगी कड़ा जो है रवैया महिलाओं का है यही भाई ढीला नहीं पड़ने देवांगे। और इस बीजेपी सरकार के इसी बात का तो दुख है हमारे बूढ़े भी बोलना सीखे हमारे भाई भी बोलना सीखे और मेन बात तो यह भाई महिला बोलना सीखी और महिला इनकी हर एक बात का जवाब देना सीखी हर एक जगह अपना मोर्चा संभालने लगी इसी बात तो बीजेपी सरकार डर रही है। और मैं तुम्हें कहूँ सारा पूरे भारत की महिला तय पूरी महिला शक्ति तय भाई अपने अपने हकों की आवाज़ उठाओ और इन बीजेपी सरकार इस तन्ने साई सरकार ने मुंदा मुँह मारो और जड़े भी मैं तुम्हें कहूँ इस लुआ की जनता तर मेरी बाणत है जड़े भी बीजेपी दलाल पैसे नहीं वे कोई जरूरत नहीं किसी का काके ताऊ का पूछने की सीधा खोसड़ा खेडर मुँह मुँह छेतना इसका इसने बेरा पटना चाहिए भाई बहू बेटी जिसका घर में उडकानी हो जाए मारे तो काके ताऊ नु कहा करें बेटी गलत ना बोलियो भाई सबके घर में लग रही है आज ऐसा कोई नहीं रहे और यू भाई एक जिम्मेवारी पद पौधे हरियाणा की बागडोर कृषि मंत्री भी मारा किसाना का के भला करेगा इसने नुए मेरा महिला की इज्जत कुकर करनी है और मैं खापन दे भी कहूँ भाई या तो कड़ा निर्णय ले लो ये बिचड़ा हुआ है टेम दे दिया भी ना का दो भी ना भाई और आज भी साजिश थी मैं कहूंगी तेरे चैनल के मैडम थे भाई आप आज भी साजिश थी आज भी कुछ लोगों ने बनाया के ना पूरी तैयार बैठा के दी भाई जेपी दलाल पंचायत के बीच में आओगा माफी मांगेगा कहते भाई आम नहीं चाहते हो मारा श्यामी आवे क्योंकि मारा में इतना रोष है काके तारू भाई तो के बैठ जाए महिला शक्ति तो भाई तू जीते मार देंगे सीधा ही साहब भाई आम नहीं बख्शांगे। तो अब जिस प्रकार आपने कहा कि माफी मांग ली ये बात कई दिन से चली आ रही है कि अगर माफी मांग लेते तो माफ कर दे किसान बड़े दिलदार है तो क्या मान के चले अब किसान माफ करने वाले या नहीं करने वाले जे मारा सिर पर लाठी मार देंदा नहीं मारा काके ताऊ का लाठी मार देंदा मारा महिला के मार देंदा तो भी भाई हम माफ कर देंदे
लेकिन उसने ऐसी गलत टिप्पणी करी है महिला पे, यह माफी मैं कहूँ मेरे काकी ताऊ के मेरा माफ कर भी दे, लेकिन महिला शक्ति माफ नहीं करेगा। कल ना उसकी तो भाई लंबी जबान होगी और कोई कुछ कहेगा महिला के बारे में। हाँ मैं अपने काके ताऊ इस किसान आंदोलन में क्या करते हैं, पहला कि पहली सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, मैं कहूँ बीजेपी सरकार में महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है हमारे काके ताऊ के बीच में। हमने आंदोलन लड़े भाई हमारे काके ताऊ हमारे नौजवान भाई, हमने आज तक भी इतनी कमी नहीं पाई। मैं तो कहूँ हमारे काके ताऊ और हमारे भाइयों के बीच में हमें सुरक्षित है, बाकी हम बीजेपी सरकार के उसमें कोई सुरक्षित नहीं है, हमें अपनी रक्षा खुद करेंगे भाई जी। तो एक और बड़ा सवाल है, कहते हैं कि एक बड़ा आंदोलन एमएसपी को लेकर तैयार हो रहा था, सरकार ने उसको भटकाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत कृषि मंत्री को ये मुंह से ये शब्द बुलवाए हैं जानबूझकर, ताकि किसानों को डाइवर्ट किया जा सके, बड़ा आंदोलन जो है तैयार ना हो सके। क्या हम इनकी साजिश में एक साजिश में भी इनकी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि वो छोटू राम वाली जो दो बात थी किसानों ने अपने ली, अपने बड़कों से सिखा दी, अपनी बहू बेटियों से सिखा दी, ई हमें सरकार की कोई भी साजिश ने कामयाब नहीं होने देंगे, हर जगह इसकी साजिश ने फैल बनावांगे भाई, क्योंकि हम सारे एक हो रहे हैं, अरे सारी महिला उठ रही हैं, काके ताऊ उठ रहे हैं मेरे, मैं तो नुकूं जो नौजवान भाइयों ने भी इनके काके ताऊ के भाई कितने दिन सिर फुड़वाओगे इस बीजेपी सरकार पे, बेरा भाई ये तो ठेके मुकदमे लाओ हर जेल में डालते हैं, ई भाई मन्ने बेरा मैं किसान आंदोलन के काम मुकदमा मैं 4 दिन जेल में रह के रही हूँ, नुबता मैंने क्या अपराध कर दिया था भाई, इस जेपी दलाल ने गेरो नाइब इसने बहु बेटिया का बारे जिस पर यह सरकार बनाई थी उसका बारे में गलत बोल दिया, जे मारा छोरा बोल दंदा नहीं कोई गाल गली का, उसने भीतर भी गेरा उसकी सजा भी बोलना रहे, इस जेपी दलाल की नहीं सजा बोली भाई इनकी, मैं तो कहूँ जेपी दलाल का पद भी छिन्नो और इसने जेल में भी डालो रांची करो, तो इसने इसी से गंदे आदमी ने फांसी दे दो भाई सीधा ही साहब जी। आप क्या कहेंगे अब स्टेज के माध्यम से कहा कि जैसे को तैसा, तो क्या क्या करने वाले हैं? हम भी ये कहना चाह रहे हैं जेपी दलाल जनता ने मतलब ये सोच कर बना था किसान का बेटा किसान पुत्र है किसानों की बात सुनेगा, लेकिन लेकिन सरकार जेपी दलाल जी बीजेपी में सरकार में आए, इसने जो वादे किए थे उन वादे से मुकर गया, इसने कहा था मैं किसान पुत्र हूँ किसान का भला करूँगा, दूसरी बात जो अब ये लगातार जगह जगह रैलियाँ करके ये कह रहे हैं, ये तो पहले आंदोलन के दौरान भी बोले है खालिस्तानी है पाकिस्तानी है, ये मतलब घुसपैठी है कुछ भी कह रहे हैं, विदेशी पैसा आता है, ये भी ना प्रचार खूब फिरा, लेकिन किसानों ने अपनी एकता बनाकर किसान मजदूर महिला 13 मिले दंगल डटा है, और अब जैसे हरियाणा के अंदर भी आके किसी कहा है बैंक बेटिया पर जो आरोप लगाए हैं किसानों पर जो आरोप लगाए हैं वो हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी किसी माँ के पेट से पैदा हुआ है, वो भी हमारी बहन है, उसने ये शब्द ऐसा नहीं है वापिस लेने चाहिए जो उसने वापिस भी लिए हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए हैं वापिस लिए नहीं कि उसके दिल में दर्द है। आज जो ये पंचायत हुई है इसी बात को लेकर हुई है, जेपी दलाल जैसे तू हमसे तेरे को मान सम्मान से लाए थे ऐसे ही एक किसान और महिला आपको यहाँ से ठुकरा देंगे, आने वाले समय में आपको नहीं आने देंगे, और जैसे आए दिन 9 साल के अंदर जितने अपराध महिलाओं पर इस 9 साल में है कभी भी नहीं आता, आप इतिहास उठा कर देख लिए, चाहे वो थे उसमें जंतर मंत्र पर हमारी खिलाड़ी बेटियां थी, जिस तरह एक तरफ तो सांसद का कर रहे हैं मुहूर्त और हमारी राष्ट्रपति सांसद थी राष्ट्रपति थी जो हमारी, वो एक महिला होने के नाते संसद के अंदर भी जान दिया, वहाँ तक भी हमारा अपमान करते हैं ये लोग, इसी तरह खिलाड़ी बेटियों को पैर से कुचला गया, और संदीप मंत्री ने भी आज तक भी हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कोई मुकदमा दर्ज तक नहीं किया, कहीं ना कहीं महिलाएं झांसी की रानी की तरह अवतार लेंगी, आज हम ये कहना चाह रहे हैं हमारी जान चली जाएगी, जैसे झांसी की रानी ने अपने अंग्रेजों से मुंह की अंग्रेजों ने खानी पड़ी थी, इसलिए बीजेपी ने भी और जेपी दलाल ने मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल बहन जी क्या कहेंगे, झांसी की रानी की तरह उतार लेकर अब जैसे को तैसा करेंगे? झांसी की रानी तो भाई बन रही है, बहुत महिला बन रही है इस आंदोलन में, मैं तो कहूँ हमें तो यूं तो रूप दुर्गा का लेकिन काली का धारण कर लेंगे इस जेपी दलाल वर्गे इंसान खेतर, और काली का धारण रूप धारण कर लिया सोच लो हमें भाई इसका मैं तो सही कहूँ भाई इसकी गर्दन पे बुड़का भर के सारा खून चूस लूंगी छोटू को नहीं भाई, मैंने तो जेल पहला कैट ली आगे कैट लेंगे ना भाई डर दे अपना परिवार तक कह रखे भाई हमने तो समाज में लिकर लिए, और जे कोई कहीं भी किसी के भी साथ गलत होगा भाई अपनी जान त्याग रखी हमने तो, जी करे या बीजेपी सरकार गोली में रह दो, जी करे भाई अभी तरगिड़ दो, और मैंने बेरा है तुम्हारे पैसे गंजा और तेज खींचेंगे, और खींचे नु डरते को नहीं भाई ना दब दे, और मैं तेन कह रहा एक इंसान है कुछ नहीं बिगड़ता
कुछ नहीं बिगड़ता जेल में, कुछ नहीं, बढ़िया सेवा करें भाई। और जेल में भी है अपने पर क्या तो बतेरी तंगी करें, फिर भी अपन सर रबा सिंह और कुछ आदमी थे अपने खेत मर गए। जे आप कुछ कर जाएंगे कम से कम आने वाली पीढ़ी तो अपन याद करेगी। और मैं तेनाली गुरु एक इंसान ने मजबूत बनकर अपनी लड़ाई अपने हकों की लड़ाई खेतर लड़ना पड़ेगा जी। तो ये महिलाएं हमारे साथ खास बातचीत कहती है कि अब कहीं ना कहीं जो खाप प्रधान है, जो किसान नेता है, वो अपना जो फैसला करेंगे वो अलग बात है, लेकिन अब महिलाओं को भी कहीं ना कहीं झांसी की रानी की तरह अवतार लेकर जैसे को तैसा करने की आवश्यकता। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि महिलाएं किसी भी सूरत में बीजेपी को कहें या फिर जेपी दलाल को कहें, कृषि मंत्री को कहें, छोड़ने वाले हैं नहीं। किसान मौजूद है जी। बाबा क्या कहूँ, कहाँ से आए? मैं झुंझुनू जिले का जिला प्रधान हूँ। राजस्थान से अखिल भारतीय किसान महासभा। क्या कहोगे आज किसान पंचायत में पहुंचे हो, कृषि मंत्री के खिलाफ किसान पंचायत है? नहीं, कृषि मंत्री ने जो बोला है ना उसको हम ये नहीं मानते कि उसने आज बोला है। ये लोग तो 5,000 साल से बोल रहे हैं, रामायण में लिखा हुआ है कि ढोल गंवार पशु सुतर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो इन्होंने तो 5,000 साल से बोलते आ रहे, ये इसने कोई नया नहीं किया, ये उसी परिपाटी को ही निभा रहा। इससे ज़्यादा हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इनकी 1925 में RSS की नींव रखी गई थी, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं। और ये इनके बारे में भगत सिंह ने बोला था, 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह ने बोला कि मेरे देश के नौजवान दोस्तों, ये जो सत्ता परिवर्तन होने वाला है ये गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज को सत्ता हस्तांतरण है, लूट भ्रष्टाचार गुंडागर्दी जारी रहेगी। आपने मंच से कहा कि जैसे को तैसा, कम शब्दों में बता दीजिए, बिल्कुल वही होगा? बिल्कुल जैसे को तैसा होना ही पड़ेगा। अगर जैसे को तैसा नहीं होगा तो इस देश के किसान को ये RSS वाले और ये BJP वाले बर्बाद करके छोड़ेंगे जी। युवा साथी क्या कहेंगे, जैसे को तैसा होगा? बिल्कुल किसान साथी, बिल्कुल हमारी बहनों की जो है इज्जत उन्होंने उछाड़ने का काम किया है, और जैसे का तैसा होगा। और इसमें सारे युवा साथी, सारे संगठन, सारी किसान यूनियन और सारे जितने भी एक ताकत मिलकर उसको जो है करारा जवाब देने का काम करेगा, और उसको पता चलेगा, उसका तख्त कहलाने का काम करेगा, क्योंकि ये वो किसान है, वो कुम्हार है जो मटका बनाना भी जानते हैं और फोड़ना भी जानते हैं जी। तो मैं तो इतना कहूँगा कि जैसे का तैसा बिल्कुल होगा, और अब हमारी पंचायतें जल्दी फैसला लेके आएंगी और वो फैसला सबको मंजूर होगा। बाबा कहाँ से पूछे? हाँ जी, कहाँ से पूछे? मैं वैसे तो मेरा गाँव तो यहाँ नजदीक ही है, शेर पज्जू गाँव है मेरा, लोहारू से है। आप लोगों ने वोट दिए, बनाया, कृषि मंत्री बन गए, मंत्री पद तक पहुंचा दिया, उसके बाद आप लोगों को ही ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जिसके बाद आपको इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारत से इकट्ठा होना पड़ता, क्या कहेंगे? मैंने नौकरी की 40 साल जी, मैं सर्वकृत दर्शन का प्रधान रहा हूँ, इशारे में नौकरी की है, गाँव मेरा यहाँ पर है, शेर पज्जू गाँव है। पहला दुर्भाग्य हमारा तो इस हल्के का है कि ऐसा मतलब निकम्मा जो MLA है, हमने बनाया, सरकार ने मंत्री बनाया, अरे बहन बेटियों की गरिमा होती है। अगर मेरे को ये पता लग जाए, मैं किसी गांव में गया हूँ कि मेरे गांव की लड़की है वो किसी भी मतलब वो परिवार से बिलोंग करती है, उसको मैं जाकर के मान सम्मान सिर पुचकार करके ना 5-10 रुपये दे करके आता हूँ, ताकि मेरी बहन बेटी है वो कहीं मिलते हैं। जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो जो आदि जो जनरेशन है, जो महिला है, और उसके साथ ऐसी बात भद्रभाषा यूज करना एक शोभनीय बात नहीं है। और ये तो BJP वाले हैं, ये तो जानबूझ करके ना अपने टोंट पाड़ते हैं, उनसे कलवाते हैं और अपनी पॉपुलरिटी जमाने के लिए काम करते हैं। ये हम कहना चाहते हैं कि JP दलाल ने जो है भद्रभाषा का यूज किया है। अब मैं रिटायरमेंट के बाद किसान सभा में काम कर रहा हूँ, मैंने खुद बात की, यहाँ के लोगों से बात की, मेरे गाँव में मैं आया तो यही कहा कि गाँव में घुसने हम नहीं देंगे जब तक ये सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगे, समाज से माफ़ी नहीं मांगे। जहाँ तक अगले आंदोलन की बात है, आज हमारे अखिल भारतीय किसान सभा और हमारा सुख किसान मोर्चा, तमाम खाप पंचायतें, तमाम के तमाम हमारे जनसंगठन, चाहे कर्मचारियों के हैं, रिटायर्ड कर्मचारियों का है, सरकर्मचारी संघ है, जनवादी महिला समिति है, CITU है, तमाम का तमाम हमारा जो जनसंगठन है पूरा का पूरा मतलब इकट्ठा होकर के ने किसानों का समर्थन किया था, और आज इस मुद्दों को लेकर के भी तमाम के तमाम जनसंगठन इसका मुखर विरोध कर रहे हैं। और हम जनता कहना चाहते हैं कि समय की पुकार है, स्थानीय है लोहारू से। हाँ। तो अब की बार क्या
आने वाले इलेक्शन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनकी जो जड़ है ना, जड़ में खुरपी मारेंगे, यानी कि जड़ पाड़ने का काम करेंगे, इनको उभरने नहीं देंगे और ये बताएंगे कि जनता को साथ लेकर के ना गांव गांव में बहिष्कार करेंगे और इसका चुनाव के अंदर जो भी कहीं वोट मारना जाएगा इसका मतलब वहाँ पर गो बैक का नारा लगाएंगे और जनता को इकट्ठा करके ना इन बीजेपी की जड़ पार करके ना राम को दिखा देंगे जो बस हम कहा किया करते जी, बिल्कुल। तो ये किसान हमारे साथ किसान पंचायत में मौजूद थे, लोहारू के गिगनाव में हम मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत करवाई, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारे चाचा ताऊ बेशक नरम दिल के हैं, वो छोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं माफ़ी भी दे दें, लेकिन महिलाएं छोड़ने वाले हैं नहीं। बीजेपी की बात हो, कृषि मंत्री की बात हो, दोनों को जो आने वाले समय में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जहां भी कहते हैं बीजेपी के नेता दिखाई दिए, कृषि मंत्री दिखाई दिया या फिर बीजेपी का कोई व्यक्ति दिखाई दिया, उसको बड़ी जो है प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ सकता है, आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये साफ कर दिया है महिलाओं ने। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।